हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद क्रिएटिव आइडियाज। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा अध्याय 20 भगदड़ का हिंदी वाक्य और प्रश्न अभ्यास पुस्तक एनसीईआरटी विषय हिंदी कक्षा 1 से। तो चलिए शेयर करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो बच्चों, यही थी हमारी कविता भगदड़। तो आइए अब हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की पूरे 60 वर्ष की पक्की, यानी कि इस कविता में एक बुढ़िया है जो कि क्या चला रही थी, चक्की चला रही थी। उसका एज क्या था, उसका वर्ष कितना था, वो पूरे 60 साल की थी, यानी कि 60 ईयर्स की वो बुढ़िया थी। दोने में रखी थी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई, यानी कि कटोरे पे एक बाउल में मिठाइयाँ रखी थी। अब मिठाइयाँ हैं, मीठी चीज़ें, तो मक्खी तो आएंगी ही, तो उसकी उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, यानी कि जैसे ही बुढ़िया बांस लेकर मक्खी को उड़ाने आती है, बिल्ली क्या करती है, पकौड़ी खाने लगती है। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर, जैसे ही फिर वो बिल्ली को भगाने आती है, कुत्ता उसकी रोटी लेकर भाग जाता है। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, फिर जैसे ही वो कुत्ते के पीछे भागी, बकरा उसके घर में घुस जाता है। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका, जैसे ही बुढ़िया चलने लगी, मटका जो है वो गिर गया और बकरा भी वहां से भाग गया। बुढ़िया बैठ गई थककर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर, यानी कि बुढ़िया अब क्या थी, अब इन जीव जंतु से इतना परेशान हो गई थी कि वो थककर एक जगह बैठी गई और उसने अपना घर बिल्ली को ही सौंप दिया। और इसी के साथ हमारी कविता भी हो गई खत्म। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब हम इस कविता का सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता भगदड़ के कवि पदुमाल पुण्यलाल व्याखी हैं। इस कविता में उन्होंने घर के जीव जंतु से परेशान 60 वर्ष की बुढ़िया का वर्णन किया है। कवि कहता है कि बुढ़िया चक्की चला रही थी, तभी दोने में रखी मिठाई पर मक्खी आकर बैठ गई। बुढ़िया जैसे ही बांस उठाकर मक्खी को भगाने के लिए दौड़ी, बिल्ली पकौड़ी खाने लगी। बुढ़िया घर के अंदर बिल्ली को भगाने के लिए झपटी, तभी कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। तब बुढ़िया बाहर निकली, उसके बाहर निकलते ही बकरा घर के अंदर घुस गया। बुढ़िया जैसे ही बाहर निकली, मटका गिर गया, इससे बकरा भाग खड़ा हुआ। तभी बुढ़िया थककर बैठ गई तथा बिल्ली को ही अपना पूरा घर सौंप दिया। तो बच्चों, यही थी हमारी इस कविता का सारांश। तो चलिए अब हम इसकी अभ्यास भी देख लेते हैं। बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया था, चित्र बनाओ। मक्खी, बिल्ली, कुत्ता और बकरा। सर, हमारा पहला प्रश्न हुआ पूरा। दूसरा प्रश्न है कि कौन किसके साथ, बुढ़िया चक्की के साथ, मक्खी मिठाई के साथ, बिल्ली पकौड़ी के साथ और कुत्ता रोटी के साथ। प्रश्न तीन है कि कविता में कौन किसके बाद आया, पहले कौन आया था, मक्खी, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद कुत्ता, उस अंत में बकरा। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न अभ्यास होता है पूरा और वीडियो भी होती है पूरी। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।